रहा था कि हम क्यों आए यहाँ पे। अरे ऐसे मत करो, मैं तो सरकार में भी नहीं हूँ, मेरे पास क्यों आए? इसीलिए मैं इनको यही बता रहा था कि हारे का सहारा, पीछे रुक गए, हारे का सहारा, हारे का सहारा, तुम मेरा लट पड़वाओगे पुलिस। मेरे साथियों, भाइयों और बहनों, अपन जहां आए हैं राजस्थान में, क्या पूरे भारत में परिसर के मोहताज नहीं है? और हम ये प्रार्थना लेके आए आपके सामने, कई सरकार जो अपने आप को संवेदनशील और पारदर्शी कहती है, हमारे साथ इतना छल कपट और दुर्व्यवहार क्यों? कोई किसान के बेटे, कोई मजदूर के बेटे, कोई किस प्रकार से अपने परिवार को पाल रहा है? स्कूल व्याख्याता के सभी अभ्यर्थी हैं, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में। लगभग ये था कि ये एग्जाम जून जुलाई में होगा और आनंद फानन में पता नहीं क्यों जनवरी में घोषित कर दिया गया था। एक साल पहले माननीय डोडासरा साहब ने कहा था कि इसमें पद बढ़ाए जाएंगे, 3700 पद और जोड़े जाएंगे, एक भी पद नहीं जोड़ा और वही 5000 वैकेंसी को रिपीट करके दे दिया। अभी माननीय कुछ समय पहले ही हमारे साथी जिनको एक छोटा सा खिलौना हाथ में दे दिया कि फार्म 1.5 से 2 लाख नए अभ्यर्थियों ने फार्म भरा, उनको कोई पढ़ाई का मौका नहीं मिला और तुरंत एग्जाम की डेट घोषित कर दी गई। राज्य कर्मचारी जो इस चुनाव में लगे हुए राजस्थान के चप्पे चप्पे से ज्ञापन दे रहे कि हमारे साथ, हमारा भी सपना है कि हम थर्ड ग्रेड टीचर है तो क्या आगे एग्जाम दे, हमें समय दिया जाए, ऐसी अनेक मांगे माननीय इस राजस्थान के अंदर आपके अलावा हमें कोई नजर नहीं आता है कि हम हमारी प्रार्थना इनके चरणों में रखें और इस सरकार से कहते कि युवाओं की बात मान लिया जाए। दूसरे राज्य के अंदर हमारे राजस्थान के लोगों को 5% कोटा है, लेकिन हमारे राजस्थान में उनको 50% क्यों? कि हमारे राजस्थान में युवा नहीं है, तो ये भी एक हमारी मांग है कि दूसरे राज्यों को हमारे राज्य में उनके हिसाब से 5% कोटा किया जाए, कोटा को घटाया जाए। प्रत्येक परीक्षा के अंदर राजस्थानी सभ्य संस्कृति और कल्चर इसका अंक बार बढ़ाया जाए ताकि राज्य राजस्थान के रहने वाले लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले, बाहर के आने वाले लोग नहीं है। हम कोटि कोटि नमन करते हैं आपके आपके सामने, हमारी ये प्रार्थना है आप हमें पार लगा दीजिए, आपके अलावा हमारा और कोई सुनने वाला देख रेख करने वाला नहीं है। भारत माता की जय, आवाज दो, नाम दो है सब लोग, भाइयों बहनों, सब लोग शांति बनाए रखें, माननीय डॉक्टर साहब जो कहते हैं वो सुने और जहाँ जगह प्लीज आप बैठ जाइए और शांति बनाए रखें, सब बैठ जाइए पीछे से। ये बताओ बच्चियाँ भी होंगी 400 वो उधर ज्यादा कोचिंग से राजस्थान से पूरे जगह जगह से और बिना कोचिंग वाले भी हैं, हम डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे धरने में पुलिस वालों ने पकड़ लिया। कोचिंग वाले कितने कोचिंग वाले कितने जने हाथ ऊपर करी? कोचिंग वाले लगभग कोचिंग वाले अरे चुप हो जाओ, क्योंकि हम जो तैयारी कर रहे हैं ना उसका
अशक का बर्थडे तीन जनवरी अपन कब चाहते जुलाई में छह महीने और अभी कितना मिलेगा शांति बनाइए शांति दोबारा बोलो। बी एड अभी की है और हमने फॉर्म भी अभी जब वापस से फिल किए गए तब भरे तो हम लोगों को तो टाइम ही नहीं मिला है सर। और सर हम ही ऐसे नहीं है जिनको टाइम नहीं मिला है, लाखों लोग हैं जिनको टाइम नहीं मिला। बस ये तो सर महिलाओं के हिसाब से सर अगर ये कई लड़कियों की शादी हो जाएगी, कहीं पे दूसरी जिम्मेदारियाँ आ जाएगी। अभी जो टाइम है हम उसी में सब कुछ कर सकते हैं। हमारे लिए ऐसा नहीं है कि हम अगली भर्ती में फिर कर लेंगे। अगर ये मौका है तो हमें प्रॉपर मौका मिलना चाहिए कि हम तैयारी करें। तो इसमें सर टाइम सिर्फ टाइम जो कि हम उचित मांग रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम अनुचित कुछ मांग रहे हैं। हमें अभी कहा गया कि आप भर सकते हो और अभी कहा है कि अच्छा आके एग्जाम दे लो, तो हम ऐसे करें सर। और सीटें भी सर थोड़ी सी अगर आप इंक्रीज करवाएं तो अच्छा होगा सर। सर सीट भी बढ़वाई जाए प्लीज। अभी हमारे दादा साहब खड़े हैं, बैठे हैं यहाँ पे, उनके सामने ये मांग करना चाह रहे हैं कि बार का कोटा 50 है ना, वो 5% होना चाहिए, वरना हम क्रांति करेंगे और शहीद होंगे। और पापा हमारी पाल लगाएंगे, हमारी हमारी मान मानेंगे और हमारी डेट आगे बढ़ाई जाए। आप दो एक 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 उस शहीद होने के लिए हम एक तैयार है। बैठो बहन जी। स्कूल लेक्चर वैकेंसी कितनी? 5,000। परीक्षा में पार्टिसिपेट कितना करेंगे? 18 सब्जेक्ट है। सर जी 18 सब्जेक्ट है। मेरी बात सुनो। EWS में कम और कर दी गई है 15% हर कोटे से। वैकेंसी बढ़नी चाहिए हर कोटे में 15% सीट कम हुई है।